हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चेरी फॉल मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से शहर चेरी फॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जंगल में एक कपल इंटीमेट होने के लिए जा रहे थे। उनमें से लड़के का नाम था रॉड और लड़की की नाम थी स्टेसी। अब वो लोग जब वहाँ पर इंटीमेट होने के लिए जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर और एक कार पहुँच जाता है, जिसके अंदर एक भयानक सी दिखने वाली औरत बैठी हुई थी। वो औरत उन दोनों को देख कर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, जिस वजह से रॉड परेशान होकर उस औरत के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत को कुछ कहता, तभी वो औरत एक धारदार चाकू से रॉड को जान से मार डालती है। अब वो औरत स्टेसी के पास जाती है और उसे भी जान से मार डालती है। इसके बाद उसी रात हम और एक लड़का और लड़की को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम था केनी और लड़की की नाम थी जोडी। वो लोग कार में किस करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जोडी की मॉम पहुँच जाती है और वो जोडी को अपने साथ लेकर जाती है, जिस वजह से केनी जोडी के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और जोडी से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जोडी को उसके डैड के सामने देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड शहर के शेरिफ हैं। वो जोडी को काफी डांटते हैं क्योंकि जोडी रात में काफी लेट करके घर आती है। खैर, इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और अगली सुबह ब्रेंट को पता चलता है कि जंगल में दो डेड बॉडी मिली है। इसीलिए वो उन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और ये डेड बॉडी उन्हीं लोगों का डेड बॉडी है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। खैर, शेरिफ को रॉड और स्टेसी की डेड बॉडी देखकर काफी बुरा लगता है और वो उनके स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि स्कूल के प्रिंसिपल, जिसका नाम था टॉम, वो शेरिफ ब्रेंट के बचपन का दोस्त है। इसीलिए वो दोनों वहाँ पर काफी देर तक बातें करते हैं और शेरिफ ब्रेंट बच्चों से पूछताछ करने के लिए क्लासरूम के अंदर जाता है। यहाँ पर हम प्रोफेसर मार्लिन स्टोन को देखते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है और इसके बारे में हमें आगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। खैर, शेरिफ ब्रेंट उन दोनों मर्डर्स के बारे में उन बच्चों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। रात को हम फिर से उस किलर औरत को देखते हैं, जो एक लड़की के घर जाती है और जब उसके पेरेंट्स घर से चले जाते हैं, तभी उसके दरवाजे को वो नॉक करने लगती है। इसी बीच वो अपना नाम लॉरेली सरमन बताती है और जब वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है, तभी वो उस लड़की को जान से मार डालती है। इसके बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं, तभी वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर काफी डर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर शेरिफ ब्रेंट भी पहुँच जाता है और वो उन डेड बॉडीज को देखकर नोटिस करता है कि उन सभी डेड बॉडीज के बॉडी में वर्जिन लिखा हुआ था, यानी वो किलर उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि प्योर है, यानी वर्जिन है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद शेरिफ ब्रेंट एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर शहर के सभी बच्चों के पेरेंट्स शामिल होते हैं। यहाँ पर ब्रेंट उन सभी लोगों से कहता है कि वो किलर उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि वर्जिन यानी प्योर है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो सभी पेरेंट्स बौखला जाते हैं और शेरिफ ब्रेंट के साथ ही लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेरिफ ब्रेंट का कहने का मतलब है कि वो लोग अपने बच्चों के साथ मुंह मार के उन्हें अनप्योर कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम जोडी और उसका एक दोस्त टीमी को देखते हैं, जो छुपकर उस मीटिंग में हुई बातों को सुन रही थी। तभी टीमी को उसके घर से कॉल आता है और टीमी उस कॉल को पिक करने के लिए जोडी से दूर जाता है, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आता, तभी जोडी परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे टीमी की लाश देखने को मिलती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो किलर औरत उसके ऊपर भी हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। पर जोडी किसी तरीके से उस किलर औरत को ही घायल करके वहां से निकल जाती है और अपने पिता के पास यानी शेरिफ ब्रेंट के पास आकर उसे सब कुछ कह देती है। इसके बाद शेरिफ ब्रेंट उस किलर औरत को पकड़ने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वो औरत तब तक वहां से भाग चुकी थी। अगले सीन में हम जोडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर उस किलर औरत के स्केच को बनाया जा रहा होता है। अब स्केच बन जाने के बाद जोडी को घर भेज दिया जाता है और शेरिफ ब्रेंट प्रिंसिपल टॉम को कॉल करता है। इसी दौरान वो टॉम से कहता है कि जोडी ने जिस किलर औरत की स्केच को बनवाई है, वो लॉरेली सरमन की तरह दिखती है, जो कि 27 साल पहले ही मर चुकी है। अब लॉरेली सरमन कौन है और वो किस लिए वर्जिन लोगों को मार रही है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं, जो कनेक्टेड टेलीफोन के मदद से ब्रेंट और टॉम के बीच हुई बातों को सुन लेती है और वो लॉरेली सरमन के बारे में जानने के लिए स्कूल लाइब्रेरी जाती है और उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। अब जब वो रिसर्च कर ही रही थी, तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और काफी देर तक पूछने पर वो सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि आज से करीब 27 साल पहले चार लड़कों ने एक लड़की जिसकी नाम थी लॉरेली उसके साथ जबरदस्ती किया था, लेकिन क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और उसकी कोई भी पेरेंट्स नहीं थी, इसीलिए उसे जस्टिस नहीं मिली। इसके बाद एक दिन अचानक वो गायब हो गया और उसका कोई भी पता नहीं चला। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जोडी अपने मॉम से पूछती है कि वो चार लड़के जो उस लड़की के साथ जबरदस्ती किया था, वो कौन है, जिसके जवाब में उसकी मॉम उससे कहती है कि उनमें से दो लड़के अभी मर चुका है और बचे हुए दो लड़के और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ब्रेंट और प्रिंसिपल टॉम है। अब ये सब कुछ सुनकर जोडी अपने पिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का
पता नहीं था कि उसके पिता इतना ज्यादा घटिया इंसान है। दूसरी तरफ हम स्कूल में बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे ताकि वो किलर उन्हें जान से ना मारे। खैर इसके बाद सैरी ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करता है और उसे शाम को मिलने के लिए कहता है। लेकिन शाम को सैरी ब्रेंट जब प्रिंसिपल के घर जाता है तभी वो देखता है कि उस किलर ने तब तक प्रिंसिपल को मार दिया था, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और तभी वो किलर औरत सैरी ब्रेंट को भी पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें उन बच्चों की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ गपागप कर रहे थे और बाहर पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे रहा था ताकि वो किलर औरत वहाँ पर आकर उन्हें मार न सके। इसी दौरान हम पार्टी में केनी को भी देखते हैं जो किसी के साथ भी गपागप नहीं करता, क्योंकि वो जेडी के गुफा में ही अपने घोड़े को दौड़ाना चाहता था, इसीलिए वो जेडी को लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं जो प्रोफेसर मार्लिन टन के घर आती है और वो देखती है कि प्रोफेसर मार्लिन टन एक बॉक्स को घर के अंदर ले जा रहा था, इसीलिए वो उसकी मदद करती है। लेकिन घर के अंदर पहुंचकर वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर और कोई नहीं बल्कि उसके पिता यानी सैरी ब्रेंट है, जिसको प्रोफेसर मार्लिन टन ने बहुत ही बुरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था, जिसको देखकर जोडी काफी डर जाती है और हमें पता चलता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिन टन है। खैर इसके बाद प्रोफेसर मार्लिन टन जोडी को भी पकड़ लेता है और जोडी और सैरी ब्रेंट को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो ब्रेंट से 27 साल पहले क्या कुछ हुआ था इसके बारे में पूछता है और ब्रेंट भी सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि आज से करीब 27 साल पहले वो और उसके तीन दोस्त मिलकर लॉरेली शर्मन नाम की एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया था, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे जस्टिस ना मिलने की वजह से वो वहाँ से कहीं चली गई थी। अब ये सब कुछ सुनकर प्रोफेसर मार्लिन टन कहता है कि लॉरेली शर्मन और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है जिसके साथ उन लोगों ने घटिया काम किया था, इसीलिए वो उसकी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए वर्जिन लड़कियों की सील तोड़ रहा है। इधर हम केनी को देखते हैं जो जोडी को ढूंढते हुए प्रोफेसर के घर के पास पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है, जिस वजह से थोड़ी देर में प्रोफेसर बाहर आकर केनी को मारने लगता है और केनी किसी तरीके से उस प्रोफेसर से बचकर घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर उसे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दे रहा था, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि सैरी ब्रेंट और जोडी बंधी हुई है, इसीलिए वो उन्हें फ्री करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर मार्लिन टन को देखते हैं जो किसी तरीके से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और सैरी ब्रेंट को जान से मार डालता है, जिसको देखकर केनी और जोडी काफी डरकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो लोग स्कूल बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ टपाटप कर रहे थे। तभी वहां पर वो किलर लेडी यानी प्रोफेसर मार्लिन टन पहुंच जाता है और उन सभी को अंधाधुन मारने लगता है। इसी बीच वो जोडी के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन जोडी किसी तरीके से उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो एक लकड़ी के ऊपर गिरता है और वो लकड़ी उसके पेट में घुसने की वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर आपको अभी 4 वीडियोस देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने काफी मेहनत से बनाया है, तो आप जरूर उनमें से किसी भी एक वीडियो को देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।